दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों कोई भी जानकारी पूर्वक वीडियो नहीं है। आज जो है वीडियो मेरे जो है 39K सब्सक्राइबर हो गए हैं, थैंक यू वीडियो है। और दोस्तों उससे भी ज्यादा स्पेशल है कि मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट पेमेंट आप लोगों की दया से आ गया। इन लोगों के प्यार से मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है। अक्सर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी ये आवाज सुनते होंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल सिंह चौहान। वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे ही दोस्तों अमूमन आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आवाज सुनते होंगे। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि आज मेरे 39K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और मेरा यूट्यूब से पेमेंट भी आ चुका है फर्स्ट। वैसे तो मेरा फर्स्ट पेमेंट लगभग एक साल पहले आ जाना था, पर मेरी कुछ एडसन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण मैंने सही से डिटेल फिलअप नहीं की थी और मेरा एडसन अकाउंट डिलीट हो गया था, इसलिए इतना लंबा समय लगा दोबारा पेमेंट आने में। तो दोस्तों मैंने अब की बार सही से पूरी एडसन की कार्रवाई की और मेरा पेमेंट आ गया है। दोस्तों वैसे मैंने कोई भी वैसा वीडियो नहीं बनाया कि बहुत से लोग जो है रुपए गिनते हुए, दोस्तों मैं ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूं। मैंने यूट्यूब पे पहला वीडियो अपना जब नोटबंदी 2016 में हुई थी तब मैंने अपना यूट्यूब पे पहला वीडियो अपलोड किया था। मुझे किसी ने बताया था, वैसे मैं पहले फेसबुक पे वीडियो वगैरह करता था, सोशल साइट पे करता था, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि आप जो है यूट्यूब पे भी अपना वीडियो डालिए। वैसे दोस्तों मैं बता दूं कि मैं कोई परमानेंट यूट्यूबर नहीं हूं। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी जो काफी लंबे समय से चली आ रही थी, तो इसलिए जब मैंने 2016 में पहला वीडियो यूट्यूब पे डाला, उसके बाद मैं धीरे धीरे नॉर्मल वीडियो डालता था क्योंकि जॉब के कारण मुझे इतना समय नहीं मिलता था कि मैं लगातार कंटिन्यू कोई वीडियो डाल पाऊं। कभी कभी मेरा वीडियो 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने ऐसे गैप में पड़ता था, तो और इतने कोई उस समय खास वीडियो भी मैं नहीं बनाता था कि जो कि वायरल हो जाए, लेकिन धीमे धीमे वीडियो शुरू हो गए। फिर यूट्यूब की पॉलिसी आ गई कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटा आपके चैनल पर होने चाहिए, तब मुझे लगा कि शायद मेरा चैनल नहीं चल पाएगा। लेकिन दोस्तों एक वीडियो मेरा वायरल हुआ और एक हफ्ते में 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो दोस्तों जो मेरे दोस्त यूट्यूब पे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर साल में लाखों यूट्यूबर आते हैं और वो वापिस चले जाते हैं, उसमें 1-2% जो है टिक पाते हैं। उसका कारण ये है कि वो कंटिन्यू जो लोग चले जाते हैं या तो वीडियो अपलोड नहीं करते हैं या 2-4 वीडियो डालकर वो सोचते हैं मेरा वीडियो वायरल नहीं हुआ है और वो यूट्यूब से वापिस चले जाते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो मैं जो छोटे बच्चे बहुत सारे यूट्यूबर बने हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप अभी आपके यूट्यूबर बनने की उम्र नहीं है, आप अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अगर फिर भी कोई यूट्यूब पे आ गया तो अगर दोस्तों आ गया या तो मेरे जैसा वो टाइम पास कर रहा है तब तो ठीक है, अगर वो यूट्यूब से कुछ अर्न करना चाहता है तो उसको दोस्तों मेहनत अपने कंटेंट पर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने ये आपको अपनी एक छोटी सी कहानी बताई। वैसे कि मैंने जैसे आपको बताया मैं काफी लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब में था और मैंने जो है फिर पेंशन ले ली, उसके बाद जो है मैं अब थोड़ा बहुत YouTube पे आता हूं। दोस्तों आशा करता हूं मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर YouTube संबंधित आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल सिंह चौहान।